जैन दोस्तों, जैन जैन मैं हूँ आपका दोस्त पैरा कमांडो फिटनेस अकेडमी में आप लोगों का स्वागत करते हो। साथियों, आज की वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काफी सारे बच्चे ने मुझे यूट्यूब में कमेंट किया, सर चेस्ट के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाई है, क्योंकि 99% बच्चे रनिंग तो कर लेते हैं, क्लियर हो जाता है, लेकिन लास्ट में जब चेस्ट की बारी आती है उसमें फेल हो जाता है। तो साथियों, ऐसे मैंने 5 एक्सरसाइज लेकर आया हूँ जो आपको जिम में जाने की जरूरत नहीं, अपने बॉडी से आपका जो चेस्ट चौड़ा हो जाएगा, आपका जो इंडियन आर्मी जो रैली है जाती है उसमें आराम से सिलेक्शन हो सकते हो। तो हमेशा वीडियो बना रही है, और सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, सब फिट हो? यस सर। तो साथियों, सबसे पहले हम जो हमारे पास स्टूडेंट है, ये आप देख सकते हो, सबसे पहले बॉडी पार्ट का पहले जानना जरूरी है। पहले सबसे पहले बॉडी पार्ट का, ये जो पूरा पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, पेक्टोरियल मेजर, ये पूरा, उसमें अलग अलग पार्ट से अलग अलग हम एक्सरसाइज दें तो हमारी जो बॉडी है ग्रोथ होगा और चौड़ा होगा। तो सबसे पहले नंबर वन जो मसल्स का नाम पहले जान लेते हैं, ऊपर का पार्ट बोलते हैं अपर बॉडी, बीच वाला है मिडल, और नीचे वाला है लोअर पार्ट। ये है गया आपका फर्स्ट का, और सेकंड में बीच वाला जो है ये है इनर पार्ट, और साइड वाला है आउटर पार्ट। ये पांचों तरीके से अच्छी तरीके से हम एक्सरसाइज करें तो अच्छी तरह से बॉडी ग्रोथ होगा। सबसे पहले हम करेंगे डिक्लाइन पुशअप्स। तो साथियों, आप देख सकते हो डिक्लाइन पुशअप्स किस तरह से मारा जाता है, डाउन। आप देख सकते हो पूरा बॉडी पार्ट खींच रहे अपने अपर बॉडी का, ठीक है, अप डाउन, अप डाउन, अप स्टैंड अप। तो साथियों, यह आया डिक्लाइन पुशअप से जो आपको अपर पार्ट को कवर करेगा। अभी करेंगे मिडल पुशअप, जो मिडसल्स है उसका एक्सरसाइज। आप देखते रहिए नॉर्मल पुशअप, आप नॉर्मल पुशअप से जो मिडल पार्ट को आपको कवर करेगा। चलो डाउन, डाउन, अप, डाउन, अप, स्टैंड अप। तो साथियों, ये हो गया आपको 10-10 की शुरू में सेट लगे, शुरू में ज्यादा ना लगे, जैसे जैसे आपकी परफेक्ट होती जाएगा ऐसा आप बढ़ा सकते हो सेट को। अब है लोअर पार्ट का, लोअर पार्ट का जो है एक्सरसाइज क्या होगा, इनक्लाइमिंग पुशअप्स के लिए ऐसा हाइट वाला जगह चाहिए। हाइट वाला जगह आप देख सकते हो हमारे यहाँ पर, आप देख सकते हो साथियों आप देख सकते हो ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपको पूरा कवर करेगा। अभी होगा इनर, जो इनर चेस्ट थोड़ा गड्ढा होगा, बीच में थोड़ा सूजन टाइप का होगा, आप देखते रहिए हमारे साथ वीडियोस में। साथी, ये डायमंड पुशअप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बीच वाला पार्ट गड्ढा होगा और आपका चौड़ा नजर आएगा। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, स्टैंड अप। तो साथियों, ये हो गया आपका चौथी लास्ट जो एक्सरसाइज है, व्हाइट पुशअप, जिससे आपका जो पार्ट, ये जो साइड वाला पार्ट है वो क्या होगा, खुलेगा, थोड़ा सूजन आएगा, चौड़ा होगा। पोजिशन व्हाइट पुशअप, हाथ खुलो और खुलो। अब जितना खुलोगे इतना आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको जो साइड वाला पार्ट है वो खुलेगा। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, स्टैंड अप। तो साथियों, आपने वीडियोस में देख ही लिया किस तरफ से एक्सरसाइज करा, इसी तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। आपको शुरू में ज्यादा ना लगे, 10-10 की सेट लगाई है, उसके बाद जब नेक्स्ट होगा उसके बाद 10 सेट, मतलब पहले 10, उसके बाद 1 मिनट बीच में रिलैक्स भी लेना है, उसका दोबारा 10, मतलब दो दो सेट के हिसाब से लगाइए। और जैसे जैसे आप करते जाओगे, आपको देखो अभी मैंने जो पांचों एक्सरसाइज का ऑटोमेटिक जो बॉडी खुलने लग गई। अगर किसी का चेस्ट थोड़ा कमी पेशी अगर बढ़ती में गया, आपको नहीं हो रहा है, तो अभी जो ने पांचों एक्सरसाइज बताई, ये पांचों एक्सरसाइज आपने कर लिया तो आराम से आपको क्लियर हो जाएगा चेस्ट का जो कमी पेशी है। तो साथियों, आपने पार्ट की नाम भी समझ लिया क्या क्या करना है, तो ये एक्सरसाइज आपको निरंतर करनी, डेली सुबह करिए, आपको बेनिफिट मिलेगा और 110% आपका चेस्ट बढ़ जाएगा, आप इंडियन आर्मी रैली में आराम से सिलेक्शन हो सकते हो। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, इस वीडियो को अच्छा लगे सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।